Habakkuk Bhavishyavakta ki pustak adhyay 3. Habakkuk Bhavishyavakta ki pustak adhyay 3. Habakkuk Nabi ki prarthana. Shigyonit riti par. He Yehova, main teri kirti sunkar dar gaya. He Yehova, vartaman yug mein apne kaam ko pura kar. Is yug mein tu usko pragat kar. Krodh karte hue bhi daya karna na swaran kar. ईश्वर तेमान से आया अर्थात पवित्र परमेश्वर परान पर्वत से आ रहा है सेला उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है और उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी उसके हाथों से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था उसके आगे आगे मरी फैलती गई और उसके पांव से महाज्वर निकलता गया वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था उसने देखा और जाति-जाति के लोग घबरा गए और सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गई उसकी गति अनंत काल से एक सी है मुझे कुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए हे यहोवा क्या तू नदियों पर ऋषि आया था क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी कि तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा है तेरा धनुष खोल में से निकल गया तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था तूने धरती को नदियों से चीर डाला पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे आंधी और जल प्रलय निकल गए गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला तूने जाति जाति को क्रोध से नाश किया और तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला हां अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला तूने दुष्ट के घर के सिर को घायल करके उसके गले तक नेव को नंगा कर दिया तूने उसके योद्धाओं के सिर को उसी की पर्ची से छेदा है वे मुझको तितर-बितर करने के लिए बवंडर की आंधी की नाई तो आए और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से हां जल प्रलय से पार हो गया यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा मेरे ओठ थरथराने लगे मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े-खड़े कांपने लगा ताकि मैं उस दिन की बाट शांति से जोहता रहूं जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न फूले और न दाखलताओं में फल लगे और जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा खाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे और न तो भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां रह जाए और न थानों में गाय बैल तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के हेतु अति प्रसन्न रहूंगा यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है और वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है और मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है